जय जोहार संगवारी मन, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब मस्त हो गए। मैं मस्त हूँ। फिर से एक नए दिन और एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग हैं बोतल्ला में। तो गाइस, आपको आज बोतल्ला का पूरा झरना दिखाने वाले हैं। रॉक गार्डन यहाँ का है पूरा, आप पीछे देख सकते हो, यहीं पे मैं बैठा हुआ हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की जर्नी शुरू होती है ट्रांसपोर्ट नगर रायगढ़ से बिलासपुर रोड की ओर। जोरापाली, बघनपुर, बनहर, किरितमाल और रक्षापाली पार कर मांड नदी पर बने ब्रिज पहुंचते हैं। ये नदी मेन पार्ट से निकलकर राबो डैम होते हुए चंद्रपुर में महानदी से मिलती है। इसकी लंबाई 155 किलोमीटर है। आप चाहें तो यहां रुककर फ़ोटो ले सकते हैं। इससे आगे आपको चपले मिलेगा। चपले बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहां एक काली मंदिर है और लॉकडाउन के बाद से ही इसके चौक चौराहों में डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। सीधे रास्ते चपले से आपको एक दो गांव पार करके रानी सागर चौक मिलेगा। इसी चौक से आपको राइट लेना है। यदि आप सीधे जाना चाहते हैं तो ये रास्ता आपको खरसिया ले जाती है। आगे आपको ये ओवर ब्रिज और इसके बाद कुछ अंडर ब्रिज देखने को मिलते हैं। चांपा, खरसिया, धर्मजगढ़ का यह चौक, इसी चौक को आप पार करते ही आपको राइट साइड में बोतल्ला के पहाड़ देखने को मिल जाते हैं। बरसात के समय पानी आपको इस पहाड़ों से झरते हुए आसानी से रोड से ही दिख जाते हैं। आप बोतल्ला पहुंच चुके हैं, वेलकम टू बोतल्ला। तो यहां रुक के आप यहां के मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आगे आपको ये सुंदर पहाड़ दिखेंगे। यह पहाड़ मांड पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है। लेफ्ट साइड आपको यह हरियाली दिखने को मिलेगी और राइट साइड आपको ये सुंदर पहाड़। और इसी के साथ आगे आपको रॉक गार्डन बोतल्ला का बोर्ड भी देखने को मिल जाता है। सो गाइस, अभी अपन है टिकट काउंटर में और टिकट काउंटर बता देता हूँ इसमें कुछ डिटेल। 5 वर्ष से कम के बच्चे हैं तो आपको 5 रुपये टिकट लगेगा। क्या निःशुल्क है क्या? तो 5 वर्ष से कम बच्चे हैं तो भाई अपन तो 5 साल के नहीं हैं, तो अपन को देना पड़ेगा 10 रुपये। और अब साइकिल का 5 रुपया है और ऑटो का 20 रुपया है, मोटरसाइकिल 10 रुपया, जीप कार 20 रुपया, बस ट्रक से भी आते हो भाई, ट्रक का भी एकदम है, आप ट्रक से भी आ सकते हो 50 रुपया, और प्रत्येक व्यक्ति 10 रुपया, इसी के हिसाब से यहाँ का टिकट है। और आप खाना बनाना चाहते हो तो उसके लिए 100 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पिकनिक मनाने आ रहे हो, खाना बनाना है अंदर जाके, आपको 100 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। तो आगे चल के बताते हैं, यहीं से रास्ता है आपको जाना है बोतल्ला की ओर। चलो गाइस चलते हैं अभी। तो गाइस, हम लोग का प्लान एकदम मॉर्निंग से आने था, मॉर्निंग से तो आ गए। बाकी हमारे भाई लोग कुछ सामान वगैरह नहीं खरीदे थे तो रास्ते में खरीद वरीद के आए, और ऐसा हाल है कि भाई हम लोग बहुत सारा सामान भूल गए हैं। तो यहाँ से बैठे हुए आराम से मैं यहाँ पे ये प्याज छील रहा हूँ, प्याज काटने की तैयारी, चूल्हा जलना चालू हो गया है, बैगन भी यहाँ पे कट रहा है, बैगन फ्राई बन रहा है और चाय भी बनने वाला है गाइस। तो चाय लवर लोग एकदम चाय बना रहे हैं वहाँ पे, और हमको बहुत सारा सामान भूल गए हैं तो फिर से जाना पड़ेगा गाड़ी लेके हमको बाहर पूरा ये गार्डन से। 1 किलोमीटर से ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये रास्ता 1 किलोमीटर है और वहाँ से 1.5 किलोमीटर तो देवगांव जाएंगे, वहीं से अपन फिर से सामान वगैरह लेके आएंगे। तो गाइस, आप जब भी आते हो तो पूरा लिस्ट बना दो, और किसी एक बंदे को जिम्मेदारी दे रहे हो तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसी को दो। हम लोग क्या लिस्ट बनाए थे और जिम्मेदारी दे दिए थे 4-5 लोगों के, तो एक जना बोला वो लेके आएगा, कोई लेके नहीं आया भाई। चलो क्या बात करते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी पूरा बकायदा निभाओ। पिकनिक आते हो तो प्याज काटने का काम करो, आग जलाने का काम करो। कुछ भाई लोग उधर लकड़ी लेने गए हैं तो वो लकड़ी लेके आ रहे हैं, तो ऐसे पूरा काम होगा जल्दी से।
फिर आपको मैं पूरा मस्त नजारा दिखाऊंगा गाइस, टेंशन मत लो, पूरा झरने का नजारा दिखाऊंगा। तो चलते हैं अभी, गिलास भी भूल गए, मक्का गिलास नहीं है तो देसी जुगाड़, प्लास्टिक बोतल को बीच से काटेंगे और इसको ग्लास बनाएंगे। क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं यार। आप भी भूल जाते हो सामान लाने के लिए, तो गाइस टेंशन मत लो, आप इस गार्डन से मतलब 500 मीटर दूरी पे एक शॉप मिलेगा जहाँ पे आप ले सकते हो टमाटर, ले सकते हो आलू प्याज और बहुत सारे साग सब्जी और किराना का सामान भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, तो अपन यहीं से सामान वगैरह लेके जाते हैं जितना भूल गए थे। चलो करके पूरा खाकर लेके आए ना, यहाँ ही लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं भाई, चाय पी रहे हैं एकदम गजब। बिजी वैसे मैं चाय पीता नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो पीता हूँ लेकिन बाहर निकले भाई के मोटापे। आओ मैडम कंता, ये मांगो तेल छीट कुछ रे। तो कंता लागू छे गई ना पर कंता लागू छे रानी परी बने लागू छे खाले सर पाबू नून ना लागी था। तो गाइस देखते हैं अभी कैसे बन तो रहा है, अभी पनीर की सब्जी तो एकदम डीप फ्राई हो रहा है और खाना बनने के बाद फिर जाएंगे अपन झरने की ओर नहाने के लिए। तो जल्दी से बनाते हैं खाना वाना, फिर आपको भी जल्दी दिखाएंगे यार झरना यहाँ का। वीडियो बनाते बनाते लेट हो गया और मेरे फ्रेंड लोग देख रहे हो गाइस कैसे एकदम पूरे झरने में एंजॉय कर रहे हैं। तो अब मेरी बारी है कि मैं भी उनको ज्वाइन करूं, देखो कैसे चिढ़ा रहे हैं, डांस कर रहे हैं और जल्दी से मैं इनको ज्वाइन करता हूं। जल्दी से चेंज करते हैं और जाते हैं भाई, बहुत 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 इंतज़ार कर लिए इस झरने में नहाने को, तो अभी चलते हैं नहाने के लिए। तो गाइस जाते हैं वहाँ नहाने के लिए, चश्मा खोल लेते हैं, बह जाएगा। हमारे नए दोस्त एकदम नन्हे दोस्त निहाल, इससे मिल के काफ़ी अच्छा लगा दोस्त, और एकदम झरने के पास मतलब बैठे हैं और फोटो खिंचा रहे हैं, एकदम हैंडसम बॉय। तो इनका भी कुछ दो चार फोटो अपन खींचेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। हाय बोलो निहाल, हाय बोलो, हाय बोलो, बोलो हाय, बोलो हाय हाय। ऑसम फीलिंग गाइस, ऑसम फीलिंग। सो गाइस काफ़ी मज़ा आएगा ऊपर वाले झरने में नहा के, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे साइड, अब नीचे वाले झरने में नहाएंगे।
आपको दिखाते हैं नीचे वाला झरना। नीचे वाला झरना तो आपको नीचे में ही पड़ जाता है। सबसे पहले हम लोग ऊपर गए, ऊपर से नहा के नीचे अब जाएंगे नीचे वाले झरने में। तो इसी जो बना हुआ हट, इसी से आपको आगे जाना है, तो आपको मिल जाएगा सीधे देखने को झरना। तो वहीं पे सीधे जाते हैं अपन। Running beside the lion. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down. Can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to face this mess? I'm down. कंप्लीट कर लिए बोतल्ला का जर्नी। काफ़ी बेहतरीन रहा यहाँ का झरना और काफ़ी मज़ा आ गया गाइस। तो अभी हमारे फ्रेंड लोग से पूछेंगे कैसा लगा आज का जर्नी, आज का ये बहुत मज़ा आया। आप भी आएंगे यहाँ घूमने के लिए, बहुत ही अच्छा जगह है। और इधर और लोग हैं, देखते हैं। हाय गाइस, बहुत अच्छा लगा, फुल एंजॉय, फुल मस्ती, फुल धमाल, एक नंबर। इधर और दो तीन एकदम बढ़िया मस्त ही रहेंगे। तो गाइस लगता है इन सबको काफ़ी अच्छा लगा। और पर्सनली मेरे को तो अच्छा लगा क्योंकि मेरे को दो झरने का मज़ा ले लिया और साथ ही साथ गुफा देखने को मिल गया और यहाँ एक छोटा सा नाला। इसी के साथ आज का जर्नी कंप्लीट करते हैं गाइस। तो जहाँ भी हो, जैसे भी हो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो देसी ट्रैवलर दिवाकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।